नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कमालपुर चंदोली भीना थाना क्षेत्र के कझरा गांव में शनिवार को रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष के दौरान अजय प्रताप प्रजापति के ऊपर फावड़े से हमला किया गया था, जिसे गंभीर हालत में वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिनके उपचार के दौरान रविवार को मौत हो गई। तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स व सीओ घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। नामजद एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धीना थाना क्षेत्र के कझरा गांव में अजय प्रसाद प्रजापति को शनिवार की सुबह अपने निजी जमीन की चारदीवारी का निर्माण करते समय नरेंद्र सिंह और उनके बेटे आशीष सिंह और अभिषेक सिंह ने उनकी निजी जमीन में रास्ता छोड़ने के लिए दबाव बना रहे थे। ये मामला दो माह से चल रहा था। अजय प्रसाद प्रजापति द्वारा रास्ते के एवज में घर के बगल में उनकी जमीन मांगी जा रही थी, लेकिन नरेंद्र सिंह और उनके बेटों द्वारा इस बात को मंजूर न किए जाने पर पुनः अजय प्रसाद प्रजापति द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया था। वहां जब रोकने पहुंचे तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया और नरेंद्र के पक्ष लोगों द्वारा वहां मौजूद फावड़े से उनके ऊपर जान लेने के नियत से हमला बोल दिया गया। हमले में अजय के सिर में गंभीर चोट आने से हालत गंभीर हो गई। उन्हें तत्काल वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। ब्यूरो चीफ उदय कुमार रॉय की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।